नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे मैजिक मसाला रसोई। तो आज मैं आपके साथ एकदम कच्चे आलू की बहुत ही अच्छी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आप कच्चे आलू से बहुत ही बढ़िया होममेड हल्दीराम की पंजाबी तड़का नमकीन बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी आलू ले लेने हैं, उनको छील लेना है, धो लेना है और फिर उसको ऐसे कद्दूकस में ऐसे कद्दूकस कर लेना है। और आप देख सकते हैं इसको मैंने 2 से 3 बार धोया है अच्छे से एंड काफ़ी 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 ज़्यादा इसका पानी लाइक गंदा हो गया था, स्टार्च बहुत सारा निकला। एंड आप क्लियरली वीडियो में भी देख सकते हैं मैंने इसको आराम से 3 से 4 5 बार धोया है और आप देख ही सकते हैं ऐसे वीडियो में मैं आपके साथ कैसे शेयर करने कर रही हूँ उसको धोने का प्रोसेस। उसके बाद मैंने एक बार वॉश करने के बाद इसको दोबारा वॉश किया और दोबारा वॉश करने के बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा विनेगर ताकि बहुत अच्छे से हमारा ये साफ़ हो जाए, आलू जितना भी है बिल्कुल गंदा ना रहे ताकि नुकसान भी ना करे। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से उसको दोबारा पानी से धुलकर निकाल लिया है और आप इस वीडियो में देख सकते हो कि पानी कितना गंदा लग रहा है अभी भी। अब इसके बाद मैं इसको एक और बार धुलूँगी, वॉश करूँगी ताकि इसके अंदर जो और थोड़ा बहुत गंदगी रह गई है वो भी साफ़ हो जानी चाहिए। और आप क्लियरली देख सकते हो हमारे आलू पहले से काफ़ी बेटर हो गए हैं। इसको मैंने अब दोबारा मैं था उसमें मेरे बर्तन में डाल रही हूँ बाउल में, इसमें फिर मैं दोबारा पानी डालूँगी, दोबारा नहीं तिबारा, एंड फिर इसको मैं धोऊँगी वॉश करूँगी ताकि अगेन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाए। साफ़ करने का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लंबा है पर इसी से आपके आलू अच्छे सफाई होएगी और आपके आलू गंदे नहीं होंगे, आपकी जो रेसिपी है वो बहुत टेस्टी और काफ़ी टाइम तक चलने वाली बनेगी। तो इसके धोने के बाद आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पानी बिल्कुल 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 सफ़ेद हो गया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। फिर मैंने एक कपड़ा लिया सूती, उसमें मैंने वो सारा आलू डाल के हमारा कद्दूकस किया हुआ आलू उसको अच्छे से ग्राइंड सॉरी वो उसको अच्छे से सुखा लिया है, उसको अच्छे से सुखा लिया है ताकि क्या कहते हैं उसमें पानी बिल्कुल ना रह जाए कपड़े के ऊपर से। उसको मसल मसल के उसको अच्छे से आपको पूछ लेना है, सुखा ले लेना है। और आप क्लियरली देख सकते हैं वीडियो में कितना सारा पानी उस सूती कपड़े में एब्जॉर्ब हो रहा है। फिर मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है, उसमें तेल डाला है, गैस ऑन की है। फिर आप देख सकते हो कि मैंने उसको अच्छे साफ़ कर लिया लाइक पूछ लिया। फिर कढ़ाई में मैंने मेरे जो मैंने बनाए थे कद्दूकस किए थे आलू उनको मैंने कढ़ाई में डाल दिया। एकदम हाई फ्लेम पर डालना है क्योंकि बहुत ज़्यादा पतले हैं तो वो पक भी जाएंगे, आसानी से कच्चे रहने का कोई डर नहीं है। फिर मैंने एकदम हाई फ्लेम पे इसको गैस वो कढ़ाई में डालने के बाद 2 से 3 मिनट बनने दिया है मीडियम फ्लेम पे अच्छे से। फिर मैंने इसको निकाल लिया है। अगेन सेम इसी प्रोसेस से मैंने मेरी और भी ये पंजाबी तड़का एक तरीके से नमकीन बनाई है, आप देख सकते हो दोबारा मैंने सेम प्रोसेस से बनाई है। और अब आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं इस कपड़े ने कितना सारा पानी एब्जॉर्ब किया था, इसलिए इस कपड़े से भी पोंछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप इनको काफ़ी टाइम तक स्टोर कर सकते हो। मैंने एक और मेरा एक और बार उसको बना लिया है एंड आप क्लियरली देख सकते हो मैंने इसी सेम प्रोसेस से 2 से 3 बार कढ़ाई में डाल के हमारी नमकीन निकाल ली है और हमारी टेस्टी करारी नमकीन यहाँ तैयार है। अब इसमें कुछ मसाले मिलाते हैं। सबसे पहले मैंने स्वाद अनुसार नमक मिलाया, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक मिला सकते हैं। नमक मिलाने के बाद मैंने थोड़ा सा हरी क्या कहते हैं सूखी धनिया का पाउडर भी मिलाया क्योंकि उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। फिर यहाँ पर मैंने मिर्च मिलाई है, हल्की सी लाल मिर्च, आप अपने स्वाद के अनुसार मिला सकते हो, आपके घर में बच्चे कैसे खाते हैं कैसे नहीं। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ चाट मसाला मिलाया है, मैंने मेरे हाथों से बनाया हुआ एक मसाला बनाया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसको खट्टा सा टेस्ट देने के लिए अमचूर पाउडर भी साथ ही साथ मिलाया है और हमारी टेस्टी सी एकदम कुरकुरी सी नमकीन बन के तैयार हो गई है, होममेड पंजाबी तड़का। मैंने इसको हाथों से अच्छे से मिला लिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें।